हेलो, दिस इज आदित्य जोशी और ये वीडियो में बताऊंगा कि अर्ली यूट्यूब ग्रोथ जो होती है, मतलब इनिशियली जब कोई बंदा यूट्यूब चालू करता है, जैसे मैंने भी किया था, तो ग्रोथ स्लो क्यों होती है? अब कॉमन सेंस है यार, क्या करते हैं लोग जब यूट्यूब खोलते हैं तो लोग दो चीजें चाहते हैं, रिलायबिलिटी और इंटरेस्ट। रिलायबिलिटी और इंटरेस्ट ना आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो पुराने चैनल्स होते हैं ना, उन पे लोग ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उनको रिलायबल सोर्स समझते हैं। मतलब अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं ऐसे पर्सन के पास जाऊंगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत पहले से है, क्योंकि मैं सोचूंगा, मैं मानूंगा कि उसके पास बहुत ज्ञान है, इतने टाइम से कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। अब रिलायबिलिटी का इंडिकेटर क्या है? रिलायबिलिटी का इंडिकेटर है एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और एक्सपीरियंस का इंडिकेटर क्या है? कितने टाइम से यूट्यूब में। अब कितने टाइम से यूट्यूब में है तो ऑब्वियसली उसका क्या ज़्यादा होगा, उसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे। तो अननोइंगली या नोइंगली लोग क्या करते हैं, उन चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो तुम नोटिस करना, किसी पर्सन के लिए 0 से 1K पहुंचना बहुत टफ होता है, बजाय कि 1K से 100K पहुंचने के। एंड 100K से 1 मिलियन पहुंचना इज कंपैरेटिवली ईजी। तभी तुम देखोगे इनिशियल ग्रोथ यूट्यूब की बहुत स्लो होती है। मेरी, मैं अपनी बात करूं तो मेरी यूट्यूब की इनिशियल ग्रोथ भी बहुत स्लो थी भाई, बहुत, मतलब एक्सट्रीम स्लो। हर दिन सुबह उठ के मैं ये देखता था यार, 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए, 5 सब्सक्राइबर बढ़ गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो डीमोटिवेटिंग फील होता है, नो डाउट, लेकिन फिर वही बात है ना, ऐसे समय में ही अपने आप को पुश करना होता है। When no one is with you, अगर तुम तब अपने आप को पुश नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या है, बाद में तो सब आ ही जाने। तो अभी क्या है, अभी मैं आई एम समवेयर अराउंड 890 सब्सक्राइबर्स, सो आई एम थिंकिंग कि 1K का टारगेट हिट हो जाए, फिर 1K के बाद मैं 100K का टारगेट बनाऊंगा। तो दैट्स द थिंग ना, 1K से पहले हूँ मैं तो मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है अभी यूट्यूब में। ऐसा नहीं होता कि किसी का कंटेंट बेकार होता है। वो इलॉन मस्क ने भी तो बोला था, इलॉन मस्क ने क्या बोला था कि अगर तुम किसी ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हो जहाँ ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, प्री एग्जिस्टिंग लोग हैं जो तुमसे पहले से वहाँ पे हैं, तुमसे पहले से कंटेंट फ्लश आउट कर रहे हैं, तो तुम्हें दो चीज़ें करनी है, या तो प्राइस डिक्रीज करनी है या क्वालिटी बढ़ा देनी है। प्राइस डिक्रीज तो इसमें यूट्यूब में कोई मतलब बनता नहीं है, क्वालिटी का मतलब बनता है। तो मुझे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगों से बेटर कंटेंट बनाना है, मोर हेल्पफुल कंटेंट बनाना है, मुझे ऐसी चीज़ें देनी है जो लोगों के मन पसंद की हो, ठीक है। आई हैव टू गिव पीपल वॉट दे वॉन्ट, तो उसके बाद यूट्यूब मेरा हो सकता है हिट हो। तो दैट्स माई यूट्यूब प्रोग्रेस अभी तक, और मुझे जो जो यूट्यूब से सीखने को मिला, तो मुझे यूट्यूब से यही सीखने को मिला है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, ग्रोथ बहुत स्लो होती है, लेकिन एक बार एक सर्टेन लेवल पर पहुँच जाओ तो उसके बाद ग्रोथ बढ़ने लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि एल्गोरिथम एंड लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभार ओवरनाइट कोई वीडियो हिट हो जाती है, और कभी कभार बहुत अच्छी वीडियो भी कभी हिट नहीं हो पाती, क्योंकि वो सर्टेन ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती। अब ज़रूरी नहीं है मेरा कंटेंट सबको पसंद आए, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जिसको मेरा कंटेंट पसंद आएगा, तो उस पर्सन तक वो कंटेंट पहुंचना इम्पॉर्टेंट है, जो कि नहीं हो पाता है, तो वो होना ज़रूरी है। और जब वो हो जाएगा, जैसे वो हो जाएगा, यूट्यूब अपने आप हिट होने लगेगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं अपने कंटेंट की, अब ये वीडियो ख़त्म, अब मैं बताऊंगा अपने चैनल में नया क्या हो रहा है। तो अपने चैनल में मैंने एनएट पढ़ाना चालू कर दिया, फिलीपींस के डे टू डे, डेली तो नहीं लेकिन वीकली एंड मंथली अपडेट्स मैं देता रहूंगा अगर कुछ होता है, जैसे लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन इंक्रीज़ का मैंने बताया था कि ड्यूरेशन इंक्रीज़ होगी, हमारे बैच की हो रही है, मैं 21 बैच का हूँ, तो फ्यूचर में अगर वो BS कम नहीं करते तो ड्यूरेशन बढ़ती रहेगी। तो ऐसी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, साथ साथ मैं पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट जो होता है ना, जो जनरलाइज्ड होता है, खाली फिलीपींस ओरिएंटेड नहीं होता, उस पर भी फोकस करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।